ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर जयार रोग अस्पताल में पकड़ा गया है फर्जी डॉक्टर। मरीजों के जो परिजन हैं उनसे ये वसूली करता था और सभी जो ये परिजन हैं उनने इस फर्जी डॉक्टर की जमकर पिटाई की है। कंपू थाना पुलिस के हवाले इसको कर दिया गया है। फर्जी डॉक्टर था जो कि तीमारदार आते थे मरीज के साथ, उनके साथ अवैध वसूली किया करता था और उसके बाद ये परिजनों के हत्थे चढ़ा और परिजनों ने इसको जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही, जहां पर जया रोग अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया जो मरीज के साथ आए जो परिवार वाले जो परिजन हैं उन पर धौंस जमाता था और उनसे इलीगल तरीके से वसूली किया करता था और परिवार वालों के हत्थे चढ़ा और इसके बाद इस डॉक्टर की जमकर पिटाई की गई, इसकी पोल खुल गई और फिर इसको कंपू थाना पुलिस को सौंप दिया गया। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया और फिर उसको पीटने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल जो मरीज आते थे अस्पताल में उनके परिवार वाले जो कि अक्सर परेशान हुआ रहते थे कि भाई उनके मरीज की हालत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे में ये फर्जी डॉक्टर उन लोगों से फ़ायदा उठाता था और उन लोगों से अवैध वसूली किया करता था इलाज के नाम पर। और इस दौरान जब कई लोगों को उसने ठगा, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और जमकर इसको पीटा गया और फिर कंपू पुलिस के हवाले इसको कर दिया गया। जया रोग अस्पताल का यह पूरा मामला है जहां पर एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया जो कि जो मरीज के तीमारदार हुआ करते थे, जो उनके परिजन हुआ करते थे, जो अस्पताल में अपने मरीज को लेकर आते थे, भर्ती कराते थे, उनसे अवैध वसूली किया करता था इलाज के नाम पर, वो उनसे पैसे की वसूली करता था। और हैरान परेशान जो मरीज के परिवार वाले होते थे शुरुआत में इसको भांप नहीं पाते थे और इसके झांसे में आ जाते थे, लेकिन इसके बाद जब इसकी पोल खुली तो जमकर इसको पीटा गया। इसके बाद कंपू थाना पुलिस के हवाले इस डॉक्टर को कर दिया गया। और मयंक हमारे संवाददाता ग्वालियर जुड़ गए। मयंक, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, क्या ये काफी समय से इस अस्पताल में लोगों को ठगता था? जी, रात में आके डॉक्टर जो था टेंडर से पैसे वसूली करता था, उसकी किसी दवाई के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से कोई बीमारी ऐसी बता देता था जिससे कि अटेंडर डर जाते थे, तो वो मजबूर होकर पैसे देते थे। इस चक्कर में अक्कल उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, सब हुआ, सब सब ने इकट्ठे होकर उसको पकड़ के मारा, पुलिस को बुला लिया गया। मैं समझना चाहेंगे कि क्या अस्पताल के जो बाकी कर्मचारी थे, जो डॉक्टर थे, क्या उनको इसके बारे में पता था कि भाई ऐसा भी कोई फर्जी शख्स है जो लोगों को डॉक्टर बनकर ठगता है, लोगों को परेशान करता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये सही है जी। वो डॉक्टर बन के ऐसे कई बार आ चुका है, ये देर रात में ही आता था हमेशा, हर बार। अच्छा, आज इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है।